अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदनान चौधरी डॉट कॉम। माई नेम इज़ कुदरत नकवी। मेरा कोर्स नेम एसेंशियल ट्रेनिंग ASP.NET। इस कोर्स में मैं आप लोगों को लूप लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले वीएल बेसिक में लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक कीवर्ड लिया डेम, काउंटर इंट्रोड्यूस कराया। काउंटर क्यों अलग से इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है? क्योंकि आगे हमने डिफरेंट लूप को यूज़ करना है, तो फिर मैं बार बार इंट्रोड्यूस कराऊँ। फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं, फोर का कीवर्ड, उसके बाद काउंटर आपका, उसके बाद इज इक्वल, फिर आपकी जो वैल्यू वन, और जहाँ से लेके आपने चलाना, मैंने टू तक चलाना, टू का कीवर्ड है मेरा, और ऑटोमेटिकली उसने फोर और नेक्स्ट के दरमियान मुझे कर दिया। अब वो स्टेटमेंट जो मैंने प्रिंट करानी है, आउटपुट दिस इज द वैल्यू फॉर द काउंटर, काउंटर दिस इज द वैल्यू फॉर द काउंटर। और आपने अपेंड इसमें यानी करवानी है वैल्यू, कौन कैड करानी है, तो एंड पर्सन यूज़ करेंगे और काउंटर की वैल्यू इसके साथ आ गई। जब इसको सेव करेंगे और जब इसको रन करूँगी, तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट, और वीजुअल बेसिक में है कि जो है सच कोमा नहीं आना, और मैं कोमा यूज कर रही थी। इसको मैं सेव करूंगी, वैलिडेट करूंगी, हम कंपाइल होकर आप देखेंगे कि इसको मैं कोमा डाली थी, कोमा नहीं आना। ये हमने यूज़ जो है फोर लूप का देख लो, रन किया, फोर लूप चल गया, वन टू वन टू। आपको पता मेरी पहले ही वो स्टेटमेंट दो बार प्रिंट करा रहा हूँ, लूप जैसे कंप्लीट हुआ। अब सेम वाइल कैसे यूज़ करना, वाइल का कीवर्ड काउंटर ग्रेटर देन ज़ीरो स्टेटमेंट, उसके बाद एंड वाइल में आ गया, और सेम ये मेरी आउटपुट की फाइल आ गई। ये मैंने यहाँ प्रिंट करा दी, और डिक्रीमेंट काउंटर माइनस माइनस, काउंटर प्लस प्लस करने से नहीं होता, काउंटर इसमें ऐसे चलता है इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम प्लस प्लस और माइनस माइनस पे काउंटर माइनस वन। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बाजू का वाइल लूप अगर हम कंडीशन टर्मिनेटिंग कंडीशन ना दें, तो हमें वो इनफिनाइट लूप में फंसा देता है, फिर हमें मसला होता है कि हम कैसे उसके लूप से बाहर निकले। तो इसलिए जो सी भी आप कंडीशन देंगे, बुलियन कंडीशन दी जाती है, जब भी आप कोई कंडीशन देंगे तो उसका ब्रेक पॉइंट भी लाजमी साथ दीजिए कि इंक्रीमेंट करके लूप खत्म हो रहा है, डिक्रीमेंट करके लूप खत्म हो रहा है। क्योंकि तो मेरी कंडीशन है ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर मैं स्टॉपिंग कंडीशन ना लगाती तो वो चलता ही जाना था, इनफिनाइट लूप में फंस जाना था, तो फिर हमें बहुत मसला हो जाना था। तो इस वजह से वाइल लूप को यूज़ करते हुए इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हमें इस तरह अवॉइड करना पड़ेगा इसको। बाजू का सर्वर एरर आ जाता है एप्लीकेशन में, यानी बाजू का वो रन फाइल जो होती है वो रन हो रही होती है, पोर्ट एक यूज़ हो जाती है। तो इसे ये मेरा आ रहा है 3211 2 3, तो ये मेरा लूप है। आई होप सो आपको फॉर लूप और वाइल लूप तो वीजुअल बेसिक में समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यही लूप्स सी शार्प में सिखाती हूँ। ये मेरा सी शार्प का पेज है, यानी इसमें मैंने बनाया हुआ पहले ही लूप के नाम से, लूप लूप इन सी शार्प ASP.NET। डिज़ाइन पे गए, रन कोड पे गए, लूप में पहले ही लिख चुकी हूँ सिंपल इंट, फोर का काउंटर लगाया इस तरह, फोर का लूप और वाइल का लूप। पहले मैं इसको डिक्रीमेंट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए, फोर लूप चले मेरा, तो आप फोर लूप देखें कैसे चलता है। सेम उसमें एन परसन साइन कॉनकैट के लिए यूज़ होता था, इसमें हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं कॉनकैट के लिए, कि मेरी वैल्यू इसके साथ अपेंड हो जाए, तो अपेंड के लिए हम इधर प्लस यूज़ करते हैं, वीडियो बेसिक में एन परसन यूज़ करते हैं। जब ये रन हो जाएगा आप देखेंगे लूप उसी तरह चल रहा होगा, और वो मेरा लेस देन 3 है तो 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 2 की स्टेटमेंट चलेगी और 3 पे वो ब्रेक हो जाएगा लूप। सिंपल रन किया तो आप देखेंगे सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, पोस्ट सर्वर रिक्वेस्ट जा रही है ना, तो अब जो है वो सर्वर से फेच कर रहा है, तो इससे इसको टाइम भी लग रहा है।
बाजू का तो ये फॉरन हो जाता है, बाजू का तो आपको ये नहीं जो है वो फेचिंग में टाइम लगता है क्योंकि मेरा सर्वर बिजी है। जब मैंने इसको लोड किया यानी रन किया तो डिबग होना शुरू हो गया, रन करूँगी तब ये देखे मेरे लोड चल गया, दिस वैल्यू इज, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ काउंटर वन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ काउंटर टू। अब मैं इसी में अगर वाइल का देखेंगे कि वाइल कैसे चलता है, इसको स्टॉप करूँगी, स्टॉप करने के बाद वाइल का कीवर, फिर मेरी ब्रैकेट। अब मैं वाइल लूप करके कोड लिख देती हूँ, वाइल काउंटर ग्रेटर देन जीरो काउंटर -1। जब मैं इसको रन करूँगी तो अब ये रन होके मुझे क्या दिखेगा, 3 2 1। पहले था ना 1 2, तो ये अब 3 2 1 क्योंकि मैं डिक्रीमेंट करा रही हूँ, तो 3 2 1 आएगा, 3 2 1। और इस तरह हमारे वाइल लूप की इम्प्लीमेंटेशन देख लिए। डू वाइल की भी सेम ऐसी है, वो आप खुद करेंगे और आप जितनी प्रैक्टिस लूप्स की करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। हो जाएगा आपके लूप्स की, अब तक मैं आपको लूप्स करा चुकी हूँ, लूप्स की इम्प्लीमेंटेशन वेरिएबल डिक्लेयर करा चुकी हूँ। देखिए जब मैंने इसे रन किया तो मुझे वो कहा था काउंटर 3 2 1, तो ये मेरे हो गए वाइल लूप। आई होप सबको समझ आ गए होंगे लूप्स, और अब आप उसको